पिछले दो दिनों तो हो रही लगातार बारिश के कारण देश के कई इलाकों में हर पासे जलमग्न होया है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में भी हो रही भारी बारिश के कारण लगातार मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा। अजिहा कुछ देखने को मिलिया बम्याल सैक्टर में, जिथे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में हो रही वर्खा के कारण मैदानी इलाके में पानी भर आया। उज दरिया 190,000 क्यूसिक पानी आउन ते उज दरिया का पद्धर वध गया अते हर पासे पानी ही पानी भर गया। खेतों तो लैके लोगों के घर सड़क तक पानी नजर आ रहा है। यही नहीं, उज दरिया का दौरा कर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर पठानकोट दी गड्डियां भी अद्धिया अद्धिया पानी में डुबदिया हुई दिखाई दतिया, जो सड़क के जिस पासे खड़ा सी उत्थे ही फस के रह गया। बम्याल के बाजार में आए पानी बारे स्थानक लोगों ने दसिया कि पानी की निकासी का सही ढंग ना होने कारण पूरे बम्याल के घर के दुकानों में पानी भर गया। यही नहीं, सरकारी दफ्तर पुलिस चौकी और वीडियो दफ्तर के हर पासे पानी भर जाता है। उन्होंने प्रशासन तो मांग की कि इस इलाके पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ता जो लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे। इस बरसात कारण किसानों की फसल भी काफी नुकसान पहुंचा। स्थानक लोगों ने प्रशासन वालों पहला ही जानकारी देने की गल कही सी, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं होया। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने कहा कि उज दरिया विच पानी का वहाव करीब 190,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ज्यादा, जिस दे कारण उन्होंने लोगों को अपील की है कि वह दरिया के कंडे ना जान, जो दरिया के कंडे ते रह रहे हैं वह जगह छड़ के कितने दूर उच्ची जगह पर चले जान। फिर सानू ना पुलिस ने को 6:30 बजे सूचना दे दी सी कि पिछे तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब पानी जरा डैम चो छड़िया गया, तो साढ़ा जिते गुजर बस्ती है साढ़े जिन्हें भी घर है सारे पानी से डुब गया, तो डंगर डूंगर का जानी नुकसान जोड़ा साढ़ा बचा हो गया। बाकी काफ़ी घर जो समान से सारा रुड़ गया, छन्ना साड़िया डिग गई, काफ़ी सानू परेशानी का सामना जोड़ा करना पाया हर साल की तरह। मंग ये करते हैं साढ़े डिप्टी कमिश्नर DC साहब आए ने मौके पर, सानू मौका वेखन जा गए कि किदा दी हालात जे 18-20 घर सारे डुबे पे है, तो अं सरकार प्रशासन यही मंग करते हैं कि सानू कोई सहूलत दी जाए, साढ़े डंगर पट्ठा तथे की कोई शहर तो मंडी चो कोई सहूलत दी जाए, तो सानू रहन वास्ते कुछ चंद दिन कोई मदद की जाए। पेगा तो उदू देखते हुए असं पहला ही काफ़ी जी है तैयारी की हुई सी, बरसात का मौसम देखते हुए पहले ही असं एमरजेंसी रिस्पोंस पूरा डिटेल बनाया हुआ है। अच्छ सवेर तो तकरीबन 6 बजे तो असी सारे ऑफिसर जोड़े है, जो पता चलिया कि पानी छड़िया जा रहा है उस तो सारे ऑन जॉब है, और मेरे तहसीलदार साहब, मैं तहसीलदार साहब होर एक्सीएन ड्रेनेज जोड़े बाकी सारे ऑफिसर है, और पुलिस के सारे जो ऑफिसर साहबान है, एवरीबडी इज़ इन द फील्ड। और जो सूँ लग रहा है कि लो लाइंग एरिया है, लोगों असी उन्होंने चुकने करता है, साढ़े 3-व्हीलर जोड़े है लाउडस्पीकर ला के पिंड घूम भी रहे हैं, वट्सअप ग्रुप पर और पिंड सबू दस दिता गया है। इस वेले जिते असी खड़े है उजरा जरा पानी है तकरीबन 1,85,000 क्यूसिक चल रहा है, और पिछले 1 घंटे पहला जरा है जम्मू कश्मीर उन्होंने 1,85,000 छड़िया, पर आते हुए कुछ नाले होर पे, तो मेरे मुताबिक अद्धे 1.5 घंटे बाद वो जरा सारा पानी इतों निकल जाएगा। सो अगला अद्धा 1.5 घंटा जरा है साढ़े लिए काफ़ी क्रूशियल है, इसलिए आप सारे इतने है एंड सारे लोगों को कह दिता है कोई जाली माली नुकसान नहीं होया है, एंड वी आर होपफुल कि होएगा। आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो, आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा।